हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप कैसी हैं? और आप कैसी हैं जनाब? हेलो पायन, कैसी हो? हेलो पायन, ओ सर जी, सर जी यहाँ पे ना कुछ देखने लगे हुए, मेरे ख्याल से कुत्ते बिल्लियाँ देख रहे हैं। हमने जिसको लगा के दी है वीडियो शीडियो, जिसमें बिल्लियाँ आती हैं और डॉगी आते हैं, उनको देख देख के ना यहाँ पे खुश हुई जा रही है। लेकिन अंदर आ गया एड, तो अक्सर एड स्किप करें और आप जल्दी जल्दी उठें और मुझे बताएं कि इस बेडरूम का आज क्या करना है। मेरा दिल है इसको मैं खोल दूं सारा। आप क्या कहती हैं? क्या कहती है? खोल दूं सारा बेड? पक्की बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब हमारा दिन करीब ही, जिस दिन हम शिफ्टिंग करने लगे, गाड़ी वाले के साथ बातचीत काफी हद तक कंप्लीट होगी, बस उसको सुबह जाके मैंने एडवांस पकड़ाना है, मतलब आज के दिन में मैंने एडवांस पकड़ाना है उसको, तो एडवांस उसको जब पकड़ाना है उसका मतलब काम डन हो गया है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। दुखी होगी आप, रोने लगी है यार? रोए तो ना, क्या हो गया अक्सा? ना क्या कर, इधर देखे, क्यों रो रही है? नहीं जी, रोने सोने वाला कोई सीन नहीं अक्सा, मैं तो बल्कि बड़े खुश हैं कि हम लोग एक सेफ सोसाइटी में जा रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से तो सेफ ही है ना, बाकी तो जो किस्मत में लिखा वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना वो रिस्की काम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिस तरह के बाबलों को पता है कि हम लोग बैठे हुए पैरा दे रहे हैं यहाँ पे, चौकीदारी कर रहे हैं पूरे, ऐसे ही है कि ऊपर वाला दरवाजा, नीचे वाला दरवाजा, दूसरा स्प्रे करी जा रहे हैं, मच्छर नहीं मरते क्योंकि ऊपर से मच्छर फिर आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाते हैं वो नीचे। तो अभी इस तरह करते हैं कि इस बेड को खोलते हैं, इसके बिल्कुल जो सीना वखरा वखरा, इसकी टांगे टूंगे सारा कुछ कर देते हैं, उसके बाद अक्सर वॉशिंग मशीन का काम मुक गया, वॉशिंग मशीन का काम मुक गया, तो वॉशिंग मशीन को पैक करते हैं, दूसरा फ्रिज है, ये अभी के आज अभी के ब्लॉग में इंशाल्लाह सारा कुछ हम लोगों ने कर देना है, तो बस अपना काम शुरू करते हैं। अब को मैंने अभी उठाना शुरू किया है और मैं आप लोगों को इसकी एक सिचुएशन दिखाता हूँ कि क्या बनी। एक तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये सारा फूला पड़ा है, मतलब गोल हुआ पड़ा है। दूसरा सबसे ज्यादा काम खराब है ना असल में, बाकी तो पता नहीं जिस जगह पे फर्नीचर खराब हुआ है या नहीं हुआ, जो सबसे ज्यादा जाप बना है ना वो यहाँ आके बना है। अब ये देखें, ये सारी वो जिसको उल्ली कह लें या एलजी कह लें, वो सारी लगी है उल्टी साइड पे भी, मैट्रेस भी जो सब हुई तो उसमें से भी स्मेल सी आ रही है। अब रूम के दरवाजे खुले रहते हैं, हर चीज खुली होती है, लेकिन फिर भी, और इस बीबी को बखरा दौड़ा पड़ा हुआ, अब कितने की लोर पा के आई जाना शिफ्टिंग वाले दिन। मैं सामान सामान उठाने लगा है और ये बीबी बैठ के अपने वो फ्रॉक सी रही है, पता नहीं क्या मैक्सी मैं कोई नहीं अकेला कर रहा, अंदर आए मेरे से कोई नहीं अकेले होता, सही बात है, साथ पास तो बैठ जाए कम अज कम। वाह, सा और होता वेच लंबा ते होर ना हो जानी सी, जो मैं आपको बुला रहा हूँ उसकी वजह से हो रहा है। तो अभी मैंने बाहर बेडशीट खोलना शुरू कर दिया, जिस तरह के आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने सोचा कि सारा इधर ही ला के रखता हूँ, यहाँ से उठाएंगे और बाहर लेके चले जाएंगे, और जो चीजें इधर रखनी हुई वो इधर रख लेते हैं। बरल अब जो ना काम मुकने वाला है, बेड का तो मुक गया हुआ है काम, जिस तरह के आप लोगों को नजर आ रहा है। अब ये देखे ना, ये फुल गोल हुआ हुआ है और यहाँ पे जो इसकी सपोर्ट होती है ना ब्रैकेट्स की, ये देखें ये नीचे वो निकल गई हुई है, नीचे वाला पेच निकल गया हुआ है, और ये रस्सी जो सी है अक्सा मैंने बांधी थी यहाँ से, इतनी लंबी रस्सी। बहरहाल हालात खराब ही है इस बेड के, मेरे ख्याल से एक दफा फर्नीचर वगैरह थोड़ा ना वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बेडशीट चेंज करना पड़ेगा। इस तरफ जी अक्सा बना रही है फ्राइज, और अक्सा बेचारी के पास स्पून भी कोई नहीं पूरे, अब तो यही रह गया, फ्राइज बना रही है ना, अभी पड़ी हुई थी कुछ, मैंने कहा अक्सा पका ले इनको, पका ले फ्राई कर ले इनको फ्राइज को, तो चले थोड़ी सी खा लेते हैं, अभी बैठे कुछ सुबह खा लेंगे। पहले मैं फ्रिज बंद करने लगा था, निकाल लिया उसने स्पून, पहले मैं ना फ्रिज बंद करने लगा था अपनी, फिर अक्सा अंदर कहती है अंदर कढ़ाई वगैरह ही पड़ी है, कुछ आटा ही पड़ा हुआ है, फ्रूट वगैरह भी पड़े हुए हैं, आप इस तरह कर लेना कि उसको सुबह बंद करके ना सुबह उसी टाइम कर देना पैक, मतलब 3-4 घंटे पहले बंद कर देना, ऊपर से बर्फ जो है वो आइस जो है वो भी मेल्ट हो जाएगी। बरल अभी देखते हैं क्या करना है, अभी देखना है, ये भी मैंने कहा फ्राइज इतने सारे पड़े हैं, मतलब जितने खाने होंगे ना उतने खा लेना, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हो ना जो खराब जिनका होने का मतलब खर्चा हो कि हमें बाद में जाया करनी पड़े, वो उससे बेहतर पता क्या है, उधर आंटी लोगों की तरफ भेज देना, हम भी वहाँ पे रात को खाना खा लेंगे, ठीक है, और ये वो फ्राइज भी सारे हम लोग मिलके खा लेंगे, कुछ इस तरह कर लेंगे। मैंने बेड खोलने की कोशिश की है, लेकिन बेड के साथ इश्यू ये हुआ है कि जो उसे नट है ना, ये मैंने टाइट किए थे, वो चाबी जो होती है ना उसके साथ, अब मैं उसको प्लास के साथ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये प्लास के साथ खोलने की जो चाबी मैं लेके आया था, मैं छोटा साइज ले आया था, अब मैं उसमें साइज लेके आऊंगा 14 और 15, क्योंकि ये वाला साइज जो है ना इसके ऊपर नहीं आ रहा। करो व्लॉगिंग, ये ना कुछ पिछले 2 मिनट से बैठे ना व्लॉगिंग हो रही है, ये देखें व्लॉगिंग चल रही है, उधर एलईडी भी दिखा दो, जो बाकी का घर का व्लॉग भी बना के हो जाओ। भी वॉशिंग मशीन जो है इसको हमने पैक चेक कर दिया बिल्कुल, क्योंकि इसका काम तो हो गया था खत्म, जिस तरह के अक्सर ने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे, वो पाइप नहीं उतारना भूलना, वो पाइप इस्लामाबाद से लेके मैं यहाँ तक आया हूँ, वो वॉशिंग मशीन का वो पाइप जरूर जो है मैं अभी उतार लेता, क्योंकि
वहां जाके फिर ढूंढना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि पाइप उतार के ना अभी किसी में किसी चीज में रख ले, तो कोई ड्रॉअर वगैरह में या कोई बैग शैग में ना किसी चीज में रख दे, तो क्योंकि ये ऐसी चीज होती है इसको कहीं रख देना, ये मिलती नहीं। गाड़ी की डिग्गी में रख दूं, गाड़ी की डिग्गी में रख दूं, अब बंद हो गया है ना, अब बंद हो गया, इसको ऐसा कर दो गाड़ी की डिग्गी में रख देता हूँ। क्योंकि वहाँ जब बंदा पहुंचता है ना शिफ्टिंग करके अपने घर में, तो वहाँ पे ये होता है कि बंदा छोटी छोटी चीजें बाद में खोलता है, जब छोटी छोटी चीजों में इनको पैक कर देते हैं ना, फिर ये सबसे एंड पे निकलती है। इसलिए इस पाइप का कुछ करता हूँ कि इसको मैं ना कहीं और संभाल के रख लेता हूँ ताकि हमें आसानी से मिल जाए। और जाके ये डायरेक्ट इसका ये होता है कि मतलब अगर मुझे जाके कोई मतलब प्लम्बर वगैरह नहीं भी मिलता ना, जो वहाँ पे टैप वगैरह होती है कि कोई भी मतलब टैप ना, उसके आगे मैं खोल के इसको ऊपर फिक्स कर देता हूँ, और जो ना ये सिस्टम चल जाता है तो कपड़े शपड़े वॉश होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी जाके होती ही वॉशिंग मशीन सेट है। दूसरा हमने आज सोने का ये सीन सोचा कि जब अभी सोएंगे ना तो हम लोग इधर ही सोफो सोफो पे नीचे कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेड हमने उठा दिया था कि ये खुल जाएगा, लेकिन वो आगे से चाबी कोई नहीं थी खोलने के लिए। अब मैंने 12-13 नंबर वापस ले जानी है और उसमें 14-15 नंबर ले आनी है, दोनों बड़ी वाली चाबियां ले आऊंगा। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सुबह सुबह का टाइम जो है वो होता जा रहा है, और आज तो मेरे ख्याल से बादल भी बने हुए, अभी बिल्कुल दिन का टाइम है और हम अभी तक नहीं सोए। हम अपने जो छोटे मोटे काम थे ना वो असल में सारे करने लगे। मैं आपको फिर भी दिखाता हूँ कि मौसम बड़ा ही कोई प्यारा मौसम बना हुआ है भाई। बोल मैं ऐसा इसलिए रहा हूँ कि लोग भी सो रहे होते हैं अक्सर यहाँ पे ना, लोग छत पे सो रहे होते हैं, अभी उनके उठने का ना टाइम हो रहा होता है, लोग अभी सोए में उठ रहे हैं ना बाहर। मौसम देखा, मौसम आज बड़ा प्यारा बना हुआ है बाहर। टाइम अक्सर अपने वो स्टिचिंग में लगी हुई है, मैं इस तरह करता हूँ कि ओवन जो है ना, ओवन का तो काम अब खत्म है, तो ओवन वगैरह पैक कर देता हूँ। अक्सर से पूछ लेता हूँ, अक्सर ओवन कर दो पैक, तो सालन वगैरह गर्म करना हुआ तो चूल्हे पे कर लेंगी, ओवन जॉनसन है ओवन में पैक कर देता हूँ इसके अंदर, ताकि छोटी मोटी चीजें जो है ना ये अंदर पहुंच जाए, क्योंकि अब इसका काम भी कोई नहीं, इसको भी आराम से उनसे पैक करके निकाल के इधर के बाहर रख देते हैं, बर्तन भर के बाहर के इधर साथ ही लगा देते। तो बर्तनों के लिए मैं चाह रहा था कोई बड़ा डिब्बा ऐसा मिलता ना, सारे बर्तन उस डब्बे में डाल के पैक हो जाते, लेकिन ये है एसी के आउटडोर का। अक्सर अगर कहती है तो एसी का आउटडोर मैं वैसे रख लूंगा, ठीक है गाड़ी में वही शेजोर में, अगर कहती है तो बर्तन वाले सारे इसमें डाल देता हूँ मैं। हाँ, के खराब होने का खर्चा तो नहीं है? नहीं खराब तो नहीं होगा, क्या एसी का आउटडोर कह रहा हूँ वो तो नहीं खराब हो जाएगा, पता नहीं। एसी वाला सुबह आएगा ना उससे पूछ लूंगा, वैसे अगर सही सेव करके रखा जाए ना तो कोई मसला होता। हाँ आपने कल वो जाना बाहर वो वाली शॉप जो कल नहीं आज हले सुबह हो गई है चले जाके मैं देखता हूँ उसका कुछ करता हूँ, हो सकता है मुझे मिल भी जाए, यहाँ पे एक दोस्त भी है मेरा उससे जाकर पूछ लूँ, मेरे मिल गया तो उससे मैं ले आऊंगा। ओवन भी अपनी जगह में पैक होके रखा गया है, वहां से उठा के इसके अंदर आ गया, तो ओवन वाला काम भी क्लियर हो गया, लेकिन अभी लग रहा है लग क्या रहा है टेप तो जरूर लानी पड़ेगी सुबह ना, अभी मैं इस तरह करता हूँ नींद तो आ कोई नहीं रही, ठीक है ना, अब जितने बजे नींद आएगी ना उस टाइम सो जाएंगे। अभी जो काम शाम मेरे हैं ना 4-5 इकट्ठे, वो मैं काम मुकाऊंगा, अपने टेप भी ले आऊंगा, बाहर से डब्बे भी ले आऊंगा, और भी जो जो चीजें ना वो सारी ले आऊंगा, इस तरह कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं वही ना, फिर जितने बजे नींद आई फॉर एग्जाम्पल 2 बजे आ गई, दोपहर को 3 बजे आ गई, 1 बजे आ गई, उस टाइम फिर सो जाएंगे। बाकी सारे कंप्लीट है ना काम, सारी पैकिंग भी होगी, हर चीज सिर्फ आप सामान जो लोड करना है। हाँ बस फ्रिज वगैरह रहती है, शीशा वगैरह उतारना है मेरे ख्याल से, कहती है तो शीशा वगैरह भी क्लियर कर देता हूँ, ये वाला शीशा ये भूल नहीं यार को करने वाली बात किया करें को भूल जाना है हमको फिक्स हुआ ओ भाई छोड़ दे, भूलने वाली चीजें ये थोड़ी भूलनी, वॉशरूम वाले शीशे भूल सकते हैं, ये थोड़ी भूलेंगे हम, आप टेंशन ना लें। ये 1 महीना घर अपना ही है अभी, एक महीना घर अपना है, इसमें हमारी इजाजत के अलावा कोई नहीं आ सकता, हमारे पास अपने पास है घर, मैंने रेंट दिया हुआ है इसका, ये 1 महीने का अभी, ये तो मैं भूल गई थी। हाँ जी मैं 1 महीना पास है, कोई चीज रह भी गई तो आप उसकी टेंशन ना लें। सोच रहे हैं कि जो हमारे स्पीकर्स वगैरह एम्पलीफायर वूफर शूफर है ना, एम्पलीफायर तो नहीं वूफर वगैरह जो भी है ना, इनकी भी पैकिंग शैकिंग कर दे, ऐसा ही वीडियो बंद कर दे, इस पर कॉपी राइट आ जाना याशा की वजह से, ये पकड़े वो तो लड़न लग गई क्यों मेरी वीडियो बंद करने लगी। अच्छा दुपट्टे के साथ लगी, दूसरा ये वाला स्पीकर है, साथ साथ ब्लॉगिंग साथ साथ पैकिंग और साथ साथ आप लोग भी शेयर करते जा रहे हैं चीज़ें, ये ले जी स्पीकर्स, मेरा प्लान बन रहा है कि अक्सर और मुझे दूसरा ना पहले ये तो आप रखे ना डब्बे इधर उधर साइड पे करके, आप ना मुझे दूसरा जो चाबियां नहीं लेके आए थे बेड खोलने के लिए वो दें, क्योंकि मैं जाने लगा जरा बाहर काम, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो चाबियां जो उनसे ना दो वो चेंज करके ले आऊँ, क्योंकि फिर ही बेड खुलेगा। दिन तो अच्छा खासा हो गया, तकरीबन मेरे ख्याल से 8 बज गए, 8 बजे का टाइम हो गया,
तो और यही एक 10-15 मिनट तक हमारे यहाँ पे वैसे जो है ना 8 बजे तक शॉप खुलनी शुरू हो जाती हैं। दोनों चाबियाँ, हाँ ये दोनों चाबियाँ बस निकाल देना अंदर, इसमें 14 और 15 नंबर साइज लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, वो सही रहेंगी। आयशा आपने चलना मेरे साथ, हेलो, ओ भाई जान, ओ भाई बोले बोले, वो शुरू होने लगी, खुशी देखे ऐसी हो रही जैसे पता नहीं अंदर क्या निकलने लगा है। बल्कि एक काम ना करूं, ये स्पीकर भी पैक कर ही दूं, फिर चला जाते हैं शॉप्स वगैरह भी खुल जाएंगी, फिर एक दफा जाके कर लेता हूं। ये स्पीकर वगैरह भी पैक करते हैं, इनको खोलते हैं क्योंकि ये भी काफी जरा थोड़ा सा लंबा काम है, इसके पेज वगैरह खोलने होते हैं, फिर ही पैकिंग शैकिंग होती है। ये वाला नीचे रख लेना ऊपर वाला डिब्बा, तो पहले इसको पैक कर लेते हैं। और आते हाँ टेप भी लेके आनी है, हाँ टेप भी लेके आनी है। स्पीकर पैक करना स्टार्ट कर दिया, और आयशा जोन जी वो देखो आयशा ने खराब कर दिया ये बॉक्स, कहाँ रखना, फिर मैंने आपको बताया था कहाँ रखना है इसको। क्या स्पीकर स्पीकर इधर रखने हैं, स्पीकर इधर स्पीकर इसमें खोल के रखने हैं, स्पीकर इसमें रखने हैं, ओ बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर, ओ देख अच्छा, चल नीचे आ जा, ठीक नहीं है। ना 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 ना, अच्छा ये पता है कि स्पीकर इसके अंदर रखने हैं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जितनी बार भी शिफ्टिंग करते हैं हमारी चीजें इसलिए सेफ है कि हम लोग ना इनको ये देखे डिब्बों शिब्बों में सारा पैक करते हैं, सब चीजों के डिब्बे पड़े हैं, ये तो वैसे एक्स्ट्रा डिब्बा है ना, ये देखे जितने भी सारे डिब्बे होते ना बर्तनों के भी, जिस चीज के भी होते हैं सारे सेव करके रखते, क्योंकि अभी हमें पता है ना कि अपना घर नहीं है, तो फिर चेंज चेंज ये वो करना पड़ता है, लेकिन इंशाल्लाह जब अपना घर होगा तो इन डिब्बों को मैं खुद फाड़ के फेंक दूंगा सबसे पहले, लेकिन इंशाल्लाह कभी कभी ना कभी तो होगा ना जरूर, अभी अभी तक बिल्कुल भी आप उसको कहें ना कोई आसार कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का देन का पता नहीं होता, अल्लाह ताला कब दे दे, तो इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ताला ने दिया ना तो अपना घर सबसे पहले लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस आप लोग दुआ कीजिए। हाँ और बाकी अब स्पीकर्स इसमें खोल के पैक करते हैं, वाह लंबे सारे हमारे स्पीकर हैं, और जो अब घर लिया हमने उसमें मुझे ऐसा लग रहा है जगह बहुत कम है चीजों की, तो उधर जाके क्या करेंगे, अब मैं इस बीबी से पूछूंगा क्या करेंगे वहां जाके, कुछ तो करेंगे जाके। आज तो हम शिफ्टिंग कर रहे थे, आज के दिन तो ये लाइट ना बंद करते, आज के दिन क्या तो नहीं ना आज के दिन तो ना आयशा लाइट बंद करते, आयशा अब देखे बैरी ऑर्चर्ड में पता कोई नहीं लाइट जाती है कि नहीं जाती है, क्या सीन बनता है, लोड शेडिंग जब होती है फिर लाइट जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो कोई नहीं जाएगी, वो फिर लग गई, अक्सर इसको रोक लें आप खुद रोक लें, मैं बता रहा हूँ अभी लाके मैं टेप लगाता हूँ इसको, फिर ये लेके जाना है ना अपने नए घर में, है ना जाना है, लेके जाना आपने जाना है घर, नहीं जाना जाना है कि नहीं, उसको भी पता ही कोई नहीं है, क्यों पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, खुश होगी, हाँ खुश तो होगी नहीं वहां जाके, वो तो दिल तो लग जाएगा इंशाल्लाह हमारा, क्योंकि इसको पार्क शार्क भी लेके जाया करेंगे, शाम को बाहर भी निकल जाया करेंगे, रात को वॉक शॉक भी निकल जाया करेंगे, इसका प्रांत में इसको बिठा के ना अपनी सारी ख्वाहिशें पूरे करेंगे, हाँ प्रांत में बिठा के जो वॉक का सोचते थे ना तो वो जरूर करेंगे, उससे हम दोनों फिट भी हो जाएंगे, एक्सरसाइज भी हो जाए करेगी, ये भी फिर लिया करेगी, और थोड़ा सा बंदे का एंजॉयमेंट भी हो जाती है, है। बाकी जी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एक्स्ट्रा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वो आगी लाइट नहीं आई, आ गई है तो ये लाइट क्यों बंद कर दी, लाइट बंद कर दी थी, क्यों आ गई, मैंने कहा चल बंद कर दे, चले ये लाइट आ गई, एक्स्ट्रा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, फॉलो करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है ना, हाँ डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर आयशा लाफिश कर दो, आयशा लाफिश कर दो, बाय।